नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रॉनिक। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी क्वार्टर थ्री की सीरीज जो चल रही है। उसके अंदर सौराना सोलर लिमिटेड का रिजल्ट आया अभी थोड़ी देर पहले, तो मेरे को लगता है इसके अंदर भी आपको अपडेट देना जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं सौराना सोलर लिमिटेड के बारे में। अगर उससे पहले अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। सौराना सोलर लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो बेसिकली सौराना सोलर लिमिटेड का सोलर से नाम से ही समझ आ गया कंपनी किस वेंचर में। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर सिस्टम प्रोडक्ट बनाती कंपनी, सोलर सिस्टम के प्रोडक्शन को मैन्युफैक्चर करती कंपनी और सोलर सिस्टम के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी है। सोलर सिस्टम से एनर्जी जनरेट करके रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं ये लोग। तो बेसिकली आप इनका मोटा मोटा समझ सकते हैं। देखिए इनका प्रोडक्ट क्या है, SPV मॉड्यूल फॉर मैन्युफैक्चरिंग करना है, प्लांट 12 वोल्टेज के इन्हों का इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है, प्लांट भी बना रखे इन्होंने, ठीक है ना। सोलर के जितने भी प्रोडक्शन होता है सोलर के, इस तरह के प्रोडक्शन बनाते हैं। तो ये चाम ये लोग करते हैं, PVC मॉड्यूल्स बनाते हैं, यानी आपको मोटा मोटा सोलर सिस्टम के कंपनी काम करती है। तो इसके आज क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आया थोड़ी देर पहले, तो अब चलते हैं इसके सीधा क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए मैंने इसका BSE पे ओपन कर लिया इसका लेटर। देखिए आज इसका रिजल्ट आया 13 जनवरी 2022 को, ठीक है ना। बोर्ड मीटिंग हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, इसके अपडेट आई है अभी एक घंटे पहले अपडेट आई है इसके अंदर। तो देखिए इसके अंदर क्या इसका रिजल्ट आया उसके बात करते हैं। इनका जो रिजल्ट आया दिसंबर क्वार्टर थ्री का, तो इनका अमाउंट है लैक्स के अंदर है। तो देखिए इनकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इनका टोटल इनको इनकम आई है 262 लाख की, अदर इनकम आई है इनकी 34 लाख की, और टोटल इनकम आई है 296.42 लाख की। अब देखिए इनकम को कंपैरिजन करेंगे लास्ट क्वार्टर से, लास्ट क्वार्टर में इनकम 3991 करोड़, तो लास्ट क्वार्टर से इनकम कम आई है। अब ईयर वाइज देखेंगे तो ईयर वाइज इनकी सेल में डाउनफॉल देखने को मिला है, ठीक है ना। देखिए अब देखिए क्या आता है, इनकी सेल थी लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर इनकी सेल थी 367 करोड़ लाख की, और घटके हुई है 296 लाख की। यानी सेल में आपको मोटा मोटा इस कमी देखने को मिली है ईयर वाई भी और क्वार्टर क्वार्टर वाई भी। अब चलते हैं इनके एक्सपेंस के अंदर। तो देखिए इस क्वार्टर के अंदर इनका एक्सपेंस हुआ 259 लाख का, और जून क्वार्टर के अंदर इनका 953 था, और लास्ट ईयर इनका एक्सपेंस था 357। तो एक्सपेंस में घटत देखने को मिली है ईयर वाई भी क्वार्टर क्वार्टर वाई भी। देखिए लास्ट ईयर इनका एक्सपेंस था 357, वो घटके हुआ 260 मान लीजिए हम, और लास्ट क्वार्टर था इनका एक्सपेंस 953, वो घटके हुआ 260। ये भी एक्सपेंस में कमी देखने को मिली, एक्सपेंस में यानी कंपनी ने खर्चे कम करे, ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है ना। एम्प्लॉय पे इन्होंने एक्सपेंस बढ़ाया, बाकी फाइनेंशियल कॉस्ट और अदर एक्सपेंस इनके बढ़े, बाकी और कुछ में घटक देखने को मिली, इनके एक्सपेंस जो है ना वो कम हुई है, इनके अंदर एक्सपेंस के अंदर कमी दिखाई। देखिए बिफोर ऑपरेशन प्रॉफिट इनको आया, ऑपरेशन प्रॉफिट जो आया इनको 36 लाख का आया, और लास्ट क्वार्टर इनका 37 लाख का था, यानी कि 1% डाउन है। बाकी ईयर वाइज इनका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, यानी कि आप प्रॉफिट देखेंगे तो आपको 90% प्रॉफिट में ग्रोथ देखने वाली की। लास्ट ईयर इनका प्रॉफिट था 9 लाख का, वो बढ़ के हुआ 36 लाख। तो ईयर वाइज प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है, बाकी क्वार्टर क्वार्टर 1% डाउनफॉल देखने को मिला है प्रॉफिट में। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए दिसंबर के अंदर अभी 2022 के अंदर इनको आया दिसंबर के अंदर 30 लाख का, और लास्ट क्वार्टर में इनको 16 लाख का था, और उससे पहले 8 लाख का था। ईयर वाई भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है आपको, नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है आपको, तो बहुत अच्छा इंडिकेशन है लास्ट ईयर से दिस ईयर ईयर वाई प्रॉफिट अच्छा है, और क्वार्टर क्वार्टर वाई भी 50% प्रॉफिट भी ग्रोथ देखने को मिली है, 100% ग्रोथ देखने को मिली है आपको ईयर वाइज। अब देखिए EPS के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है हमारे को। देखिए लास्ट यानी कि इस क्वार्टर में इनका EPS है 0.06, और लास्ट प्रीवियस था 0.03, और उससे पहले था 0.02। तो ये देखिए ईयर ईयर वाइज कंपेरिजन करेंगे तो लास्ट ईयर EPS था इनका 0.02 था, वो बढ़ के हुआ 0.06, और प्रीवियस यानी लास्ट क्वार्टर EPS था 0.03, वो बढ़ के हुआ, यानी कि आपको 50% और 70% EPS में ग्रोथ देखने वाली। अर्निंग पर शेयर इसलिए ग्रोथ होगी क्योंकि इनका नेट प्रॉफिट हुआ, इसलिए अर्निंग पर शेयर ग्रोथ देखने को मिली है। और क्या इस रिजल्ट के अंदर और क्या है वो समझते हैं। तो देखिए इनकी जो इनकम जनरेट हुई है, टोटल इनकम जो आई है इनकी 262 लाख की, उसके अंदर क्या क्या मेन इनका है, इन्होंने सोलर के प्रोडक्ट सेल करे हैं वो करे हैं 222.77 लाख के, और रिन्यूएबल एनर्जी इनकी ग्रोथ देखने को मिली। रिन्यूएबल एनर्जी में देखिए इनकी आई है 39 लाख की ग्रोथ, तो इनकी सेल हुई है 39 लाख की रिन्यूएबल एनर्जी। लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो 2.66 लाख थी, और प्रीवियस उसमें देखेंगे तो इनकी थी वो
8.26, यानी कि 8 लाख की सेल थी रिन्यूएबल एनर्जी से लास्ट ईयर, और प्रीवियस क्वार्टर में इनकी 2.5 यानी 2.66 लाख थी, वो बढ़ के हुई है 39.36 लाख, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रोथ देखने को मिली है। बाकी इनके जो प्रोडक्ट्स सोलर प्रोडक्ट होता है उसमें सेल में कमी देखने को मिली, जिस वजह से इनकी सेल्स में कमी आई है, बाकी कोई वजह नहीं है। बाकी कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ग्रोथ दिखाई है अपनी, और सोलर प्रोडक्ट के अंदर इनकी सेल में कमी आई है। और क्या इसमें आया देखने को मिला हमारे को, सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे कहाँ दिख रहा है, मैंने कहा था ना कंपनी ने अपना कर्जा कम किया, ये देखिए अभी इनके पास कर्जा है 150 लाख का, 150 लैक्स, ठीक है, दिसंबर क्वार्टर के अंदर। अभी देखिए लास्ट क्वार्टर में आप जाएंगे, जून क्वार्टर में इनका 1402 लाख का था, और उससे ये नियर बाय देखेंगे 280 के आसपास इनको लास्ट ईयर इनको जो था टोटल लाइबिलिटीज इनके ऊपर थी 280। तो आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में इनकी लाइबिलिटीज मोस्ट ऑफ द बहुत कम हुई है, प्रीवियस से तो 1000 गुना इनकी लाइबिलिटीज में कमी आई है, 1000 टाइम्स लाइबिलिटीज कम हुई है, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। मैंने आपको बताया ना जब इसके EPS में ग्रोथ देखने को मिल रही है आपको, तो ये चीज़ बहुत अच्छा हुआ है कि इनकी सेल तो बड़ी, सेल में कमी आई है, बट सेल के साथ साथ कंपनी जो प्रॉफिट अर्न किया रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, तो वो प्रॉफिट इन्होंने अपने कर्जा चुकाने में लगा दिया। ये देखेंगे आप लास्ट क्वार्टर में इनका कर्जा था 1400 लाख का, वो घटके हुआ है 150 लाख का, और प्रीवियस ईयर में था 280, वो घटके हुआ है 150, तो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन देखने को मिला इसके अंदर। अब चलते इसका देखिए मोर ऑफ द स्टोरी क्या है कि इसका जो ना रिजल्ट जो आया है बस सेल में डाउनफॉल देखने को मिला, बाकी कंपनी का जो प्रॉफिट आया वो नेट प्रॉफिट में इजाफा देखने को, EPS में ग्रोथ देखने को मिली, जिस वजह से सेल के अंदर मूवमेंट मिलेगी। बट मैं हर बार यही कहता हूँ चाहे EPS में और नेट प्रॉफिट में डाउन कमी दिख जाए, हमारा हमें सेल में ग्रोथ देखने चाहिए हमारे को, क्योंकि जब तक किसी कंपनी की सेल नहीं होगी उसका रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, तो प्रॉफिट कहाँ से बनाएगी कंपनी, और अपना एक्सपेंडिचर कहाँ से करेगी कंपनी। एक्सपेंडिचर करने के लिए कंपनी की सेल तो होना बहुत जरूरी है, बट सेल ही नहीं हुई है। मेन फंडामेंटल मेरा करने का मतलब है इस शेयर के अंदर, अभी थोड़ी देर में बताऊँगा इसमें लेवल किस लेवल पर आपको बाय करना है, किस लेवल पर एग्जिट करना है। मेरे हिसाब से रिजल्ट खराब आया है, अच्छा रिजल्ट नहीं मानता ऐसे को मैं, क्योंकि इसके अंदर बस आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, बाकी आपको सेल में कमी देखने को। मेरा मानना है कि जिस कंपनी के अंदर सेल नहीं होती, उसके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, तो वो कहाँ से आगे ग्रोथ करेगी। तो मेरे हिसाब से इसका रिजल्ट बेकार आया है। अब चलते हैं इसके अंदर और क्या है, तो देखिए इसका मार्केट कैप समझते हैं, इसका मार्केट कैप है 182 करोड़ रुपये का, स्टॉक पी चल रहा 552 का, स्टॉक ROCE चल रहा 2.1% का, बुक वैल्यू से 11 रुपये की है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी इसके 0.39% है, डिविडेंड कंपनी ने नहीं दिया है, और इसका 5 रुपये फेस वैल्यू है। कंपनी क्या कर रही है, बस कंपनी ने क्वार्टर क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा दिया, बाकी कंपनी सारे नेगेटिव पॉइंट हैं, कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं है कंपनी के अंदर। अब इसके अंदर और क्या देखते हैं, देखिए अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट नहीं हुई है, तो अपडेट होगी और आपको बता दिया जाएगा। तो आप चलते हैं इसके अंदर चला के आज के दिन में, तो ये आज ही कब से कंपनी है, 2006 से कंपनी है, तो आज ये जब से ओपन हो, जब से ही ये लोअर सर्किट पे ही ओपन हुआ है, तो आप देख सकते हैं क्यों लोअर सर्किट, क्योंकि लोगों को अनुमान था कि इसके रिजल्ट खराब आएंगे, वो उसी हिसाब से रिजल्ट भी खराब आए हैं। देखिए आज ये ओपन होता 337.15 रुपये पे, हाई मारा 337.15 रुपये का, लो मारा 337.15 रुपये का, यानी जितने पे ओपन हो उतने का ही लो मारा, यानी गिरावट के साथ ओपन हुआ है। 52 हाई है 43.20 रुपये, 52 लो है 8.20 रुपये का। तो अभी इसमें इंडिकेशन क्या, 5 दिन के अंदर भी देखने हमारे को माइनस में 0.54% रिटर्न दिया, 1 मंथ के अंदर भी तक 93% रिटर्न दिया पॉजिटिव में, और 6 मंथ के अंदर 181% रिटर्न दिया पॉजिटिव में, और इसके अंदर ईयर टू डेट के अंदर 20% रिटर्न दिया पॉजिटिव में। अब चलते हैं इसके अंदर और क्या पॉजिटिव साइन है, तो बाकी इसमें कुछ इंडिकेशन हमारे को है नहीं ऐसे। अब चलते हैं चार्ट के अंदर, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ना इस एरिया के अंदर 19-20 रुपये करेक्शन हो गया, अपर सर्किट लगातार मारता है, क्योंकि न्यूज़ का व्यूज था सोलर सिस्टम को लेकर, कंपनी और सोलर सिस्टम के ग्रीन एनर्जी को लेकर गवर्नमेंट की जो अनाउंसमेंट चली थी उसका न्यूज़ का इंपैक्ट शेयर में देखने को मिला, जिस वजह से शेयर के अंदर तेजी देखने को मिली आपको, और तेजी की वजह ऐसी देखने के लिए कि अपर सर्किट ही लगता रहा। तो मेरा अभी मानना है कि इस शेयर को अवॉइड करिए, इस शेयर के अंदर अगर है तो निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, रिजल्ट खराब है, और अभी इसमें बाइंग नहीं करना, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी अभी, अब अगर आप इसमें बाय भी करना चाहेंगे तो जब तक ये 10-15 रुपये के बीच में नहीं आता जब तक इसमें बाय नहीं करेंगे, क्योंकि इसी लेवल पे करेक्शन लिया, बाकी तो अपर सर्किट लगे हैं, तो ये लोअर सर्किट मारेगा कल से लगातार, ये लोअर सर्किट मारेगा। अगर ये जब तक 15-20 रुपये पे नहीं आता जब तक इसमें आप फ्रेश बाइंग बिल्कुल मत करना, अगर आपके ऊपर पास ऊपर के लेवल पर उसमें एग्जिट हो जाइए। मेरा मानना अभी शेयर को अवॉइड करिए, क्योंकि रिजल्ट
जैसा आना चाहिए था वैसे नहीं आया अनुमान के हिसाब से, रिजल्ट खराब आया, RSI पे इंडिकेशन डाउनफॉल आ चुका है, MACD पे डाउनफॉल के इंडिकेशन दिख रहा है और ADS अप ट्रेंडिंग है, मतलब डाउनफॉल इसमें और तेजी से दिखेगा और वॉल्यूम के साथ गिरावट होने को देखने को मिला है। अपर सर्किट लगा, लोअर सर्किट लगा है तो कोई वजह थी तो लोअर सर्किट सही लगा है। तो अब मेरा मानना शेयर को आप अवॉइड करिए अपने पोर्टफोलियो में, तो प्लीज़ इसको होल्ड रख सकते तो होल्ड रखिए, बाकी अभी इसमें फ्रेश बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है आपको, इसको अवॉइड करके चलना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।